के धर्म से हम क्या समझें एवं उसके अनुसार धर्माचरण कैसे करें। वेद का धर्म जंगल में जाकर साधना करना या घर में बैठ आंख बंद कर सांसारिक कार्य ठुकराना नहीं है। वेद के अनुसार वो महान है जो सुविचारक है, सुचिंतित भाव से सब ओर दृष्टि रखते हुए सुंदर परिवेश सृष्टि करने के लिए ध्यान धारणा करें, सबके सुबंदोबस्त के लिए शुभ दृष्टि एवं समदृष्टि से जो आगे आए, भूलोक भुवन लोक महालोक जनलोक को जो आलोकित कर सकें, वो स्वयं उस आलोक से आलोक प्रज्वलित करने के लिए पहले बाह्य प्रज्वलित कर बाहरी तप को मिटा धीरे धीरे अंदर प्रवेश करें। बाहरी प्रकाश जब प्रकाशित होगा तो अंदरूनी भी आसानी से जल उठेगी। उसका संधान पाने के लिए खूब अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती। ये बात याद रखो, प्रकाश की तरह दिखने वाली के पीछे भागने से प्रकाश नहीं मिलता। वेद कहता है आलिया के पीछे ना भाग, प्रकाश के संधान में भागो। इसी भूलोक में वो आलोक स्थिर है, तुम्हारे अंदर ही बुद्धि विवेक विवेचना वैराग्य के आलोक मौजूद हैं। ग्रंथ पाठ करने से ही वो नहीं जल उठता, कर्म द्वारा उन्हें जलाया जाता है। मैंने पुस्तक पढ़कर जाना कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने पर प्रकाश जल उठता है, पर केवल जान लेने से ही तो प्रकाश नहीं जल उठेगा, कार्य में उसे उतारना होगा। अभी हमारा कार्य स्विच दबा दबा कर वास्तविक रोशनी को जला देना है। सन्यासी होने के लिए घर छोड़ गेरुआ वस्त्र पहन लेने से नहीं होगा। वेद का सन्यास व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। वेद कहता है सन्यास धर्म अपनाकर समाज की सेवा करो। ये सन्यास धर्म क्या है? वेद कहता है सन्यास का धर्म संचय नहीं करना है। तुम तो शमशान की ओर बढ़ चले हो, यदि अमर होते तो संचय के बारे में सोच भी सकते थे, परंतु हर क्षण तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। अतः अपना नहीं सोच, सबके लिए अपने को उत्सर्ग करो, वही है प्राकृत त्याग। मां जिस प्रकार अपने बारे में नहीं सोच संतान के लिए सब कुछ त्याग देती है, उसी प्रकार इस धरती के सभी जीवों के लिए अपने को उत्सर्ग करना होगा। सबके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझ जो इस कार्य में आगे आएंगे,
वही होंगे वास्तविक त्यागी सन्यासी। सबके लिए त्याग नहीं रहे तो वो त्यागी नहीं कहा जा सकता। संकीर्ण स्वार्थ की बात भूल घात प्रतिघात के मध्य गुजरते हुए देश जाति समाज एवं संसार की उन्नति में जो आगे आए वो ही प्राकृत परिवर्जक सन्यासी होंगे। एक शब्द में जन्म ही सन्यास और मृत्यु ही त्याग है। आत्मोपलब्धि की बात वेद में है। आत्मोपलब्धि के लिए वेद क्या कहता है? ग्रंथ पढ़कर मन ही मन उस पर चर्चा करना, अर्थात सब कुछ छोड़ आत्म उपलब्धि की चिंता में मग्न रहना ठीक नहीं होता, बल्कि आत्मघात ही होता है। आत्म तृप्ति से आती है आत्मोपलब्धि। देश आत्मा जाति आत्मा मानव आत्मा को अपनी आत्मा समझकर तृप्त करने पर प्राकृत आत्मतृप्ति मिलती है। सभी जीवात्माओं को तृप्त करने के लिए प्रकृति के आदर्श को मानकर सभी जीवों की सेवा में अपने को समर्पित करना होगा। जगत के कार्य में आत्मोत्सर्ग करना होगा। आंख खोलकर देखो, प्रकृति सबकी सेवा में कार्यरत है बिना किसी स्वार्थ के। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र प्रकाश हवा पानी वसुमति महासागर महाकाश सभी समान नजरिया रखते हुए जीव की सेवा में लगे हैं। उनके समान वितरण से कोई वंचित नहीं रहता। वहां वो असुरों को हाथ बढ़ाने नहीं देते। उनकी उसी उदार नीति एवं सेवा के लिए उन्हें देवता की संज्ञा दी गई है। प्रकृति के इसी आदर्श के तहत अपने को तैयार कर सभी को जो सचमुच जगाने का प्रयत्न करेंगे वो अपने उसी कर्म के मध्य ही आत्मतृप्ति को पा लेंगे। वही तृप्ति महान तृप्ति है। जन जागरण का सुर जब वेद के सुर से मिलेगा तब उसी में खोज सकोगे महान आत्मतृप्ति। वही महान आत्मतृप्ति आत्मोपलब्धि का प्रथम सोपान है। इस प्रथम सोपान की चिंता हमें पहले करनी होगी। बुनियाद नहीं तैयार कर सौतल्ला निर्माण की कल्पना आकाश कुसुम की तरह होगी, काल्पनिक एवं अवास्तव होगी। इस अनजान जगत की पहले चिंता नहीं कर जाने हुए जगत के बारे में पहले सोचने की आवश्यकता है। बर्फ और पानी एक ही वस्तु के दो रूप हैं। ये जगत बर्फ बना है। पहले बर्फ को तोड़कर चलने का मार्ग बनाओ। देखोगे जल का स्वरूप तुम्हारे समक्ष खुद उभर जाएगा। ऐसा नहीं कर पहले ही यदि जल की चिंता करो तो जल में ही हाबू डुबा खाना होगा, पार उतर पाओगे इसमें संदेह है। वेद में दो धाराओं की बात उल्लेख की गई है, एक पूर्ण वास्तविक धारा दूसरी महाकाश के महातत्व की धारा। एक परिचित मार्ग दूसरा अनजान मार्ग। धर्म व्यवसायियों की विकृत व्याख्या के फल स्वरूप यहां अनेकों की धारणा है। पहले दुख शोक व्यथा वेदना जलन यंत्रणा एवं अशांति का मार्ग है और दूसरा मुक्ति शांति एवं चिर आनंद का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने से भगवान मिलेंगे, परमानंद की प्राप्ति होगी। अतः वो प्रथम मार्ग को नहीं पकड़ इस अनजान मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस मार्ग के पथिक सरल होते हैं। जो विश्वास पर यात्रा प्रारंभ करते हैं पहले तो वो कुछ दूर ठीक से बढ़ते हैं, बाद में किधर जाना होगा समझ नहीं आता। जितना समझते हैं उससे कार्य नहीं होता।
अनजान अंधकार रास्ते मार्ग में क्या हो सकता है। सोच सोच कर उन्हें अग्रसर होना पड़ता है। फलतः कल्पना और धारणा के धक्के के बीच मार्ग में ही ठोकर खा रुक जाना पड़ता है। उस समय वो पथ प्रदर्शक की तलाश में लग जाते हैं। उसी समय एक श्रेणी के स्वार्थी साधु सन्यासी व्यवसायी उनकी सहायता में आगे बढ़ते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। मुक्ति का मार्ग सरल बनाने के लिए मेड इजी उन्होंने बना रखा है। सहज सरल लोगों को कहा जाता है। मुक्ति के मार्ग पर कौन जाएंगे, जल्दी करो गाड़ी छूट जाने पर। उनके इस आह्वान पर हमारे जैसे व्याकुल लोग पैसा देकर टिकट खरीद लेते हैं और गाड़ी पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर जाकर धक्का खाकर गाड़ी रुक जाती है। अंततः व्याकुल यात्री ये कुल वो कुल दोनों खाकर सिर पर हाथ रख बैठ जाते हैं। तब उन्हें राहु केतु ग्रह दशा शनि दशा का हवाला देकर बड़ा बड़ा कारण दिखाकर शांति स्तवन का विधान बताया जाता है। व्यापार भी जम जाता है। कैसा चालाक व्यवसायी है जो मुक्ति मार्ग में भी हाथ डालता है। पहले तो उसने लोगों का रक्त चूसा ही था, मरने के बाद भी आत्मा का नाम लेकर श्राद्ध शांति दशा और उसके लिए शांति स्तवन के बहाने शोषण करते हैं। शब्दों का व्यवहार वेद में दूसरे अर्थ के रूप में है। मुक्त अवस्था होने पर ही मुक्ति मार्ग का पथिक हुआ जा सकता है। अतः पहले अपने को मुक्त अवस्था में लाना होगा। वास्तव क्लेद पंकलताओं को साफ कर समाज संसार एवं जीव जगत को क्लेद मुक्त कर पाने पर ही मुक्त हुआ जा सकता है। यही प्राकृत मुक्त अवस्था है। कठोर बर्फ गल कर स्वयं मुक्त धारा में प्रवाहित हो जाएगी। वेद कहता है, भाग्य अदृश्य के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ नियमित धारा में कार्य करते जाओ। ठीक से सरगम साधने पर सफलता आएगी और चिंतन नहीं कर अंधकार में घूमने पर समय शक्ति सामर्थ्य सब बेकार हो जाएगा। उस समय हताशा निराशा आद पहुंचेगी। वो ही प्राकृत कर्म फल है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले अनजान मार्ग को नहीं सोच, जानकारी वाले मार्ग से इन कार्यों को पूरा कर लो, तब मन को सारे क्लेदों से खींच निकाला जा सकता है। तब तुम्हें महसूस होगा कि सबको मुक्त अवस्था प्रदान कर खुद भी मुक्त हुए। वास्तव मार्ग को छोड़कर इस मुक्त मार्ग की चिंता पहले करने पर कुछ कल्पना में चला जाएगा। सबके मन में एक डर पैदा होगा। अतः पहले अनजान आकाश की नहीं सोच, परिचित जगत को सुंदर बनाने का प्रयत्न करो। समाज संसार को क्लेद मुक्त करने के बाद चिंता करना कि वहां क्या है। इसके पहले अनजान मार्ग पर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा दो। वास्तव को नहीं जान उस पथ पर चलने से ठोकर लगती रहती है। अतः पहले आकाश समूह के विवरण के मार्ग पर नहीं चल, वास्तविक कार्य पद्धति के मध्य धीरे धीरे उस ओर बढ़ो। वो सारे कर्म उस विवरण को जानने की बुनियाद है। महाकाश का विवरण हम वास्तविक वस्तुओं के विश्लेषण द्वारा जान पाते हैं। थोड़ा गहराई से सोचने पर और निष्ठापूर्वक कार्य करने पर वास्तविक धारा के मध्य ही महाकाश को जाना जा सकता है। अनंत महाकाश का विवरण घूम घूम कर इकट्ठा करना किसी के वश में नहीं है।
मॉडल या मानचित्र द्वारा जैसे भूमंडल की जानकारी होती है, उसी प्रकार इस परिदृश्यमान जगत का पर्यवेक्षण, विश्लेषण एवं संश्लेषण करने पर महाशून्य का विवरण हम लोग पा सकते हैं। ये परिदृश्यमान जगत महाकाश की गिनती का पन्ना है। आदर्श पाठ के उद्देश्य से पहले इन पन्नों को पढ़ लेने पर आकाश की जानकारी सरल होगी, तब कोई असुविधा नहीं होगी। उस समय नो एंट्री बोर्ड को हटा देना होगा। अभी हमें बुनियाद निर्माण के कार्य में उतरना होगा। संतान दल के माध्यम से हम लोग उस कार्य में जुट गए हैं। हम लोग वेद के आदर्श पर समाज का गठन चाहते हैं। इसी से देश में शांति आएगी। जब एक एक आदमी वेद के आदर्श पर चलना शुरू होगा, तब अन्याय की सोच कुकर्म की इच्छा ही नहीं बन पाएगी। इसकी विशेषता भी यही है। हर एक को बार बार ठोक कर इस विचार को जगाए रखना होगा। वेद प्रचार के माध्यम से संतान दल इस ठोकने के कार्य को भी किए जा रहा है। पृथ्वी पर एक महाशक्ति की लहर दौड़े, इसी की साधना में संतान दल कार्यरत है। दूसरी ओर वो वेद के वाहक के रूप में समस्त शास्त्रों के तंत्र मंत्र देवी देवताओं की मूर्तियों के अंतर्निहित अर्थ को उजागर कर लोगों को बताने की चेष्टा करते हैं, और एक ओर वेद की वास्तविक नीति का अवलंबन कर उसी आदर्श पर समाज एवं संसार, देश एवं जाति को क्लेद मुक्त कर किस प्रकार मनोरम बनाया जाए उसकी चेष्टा कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहता हूं, उनके कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, क्रमानुसार पूरे होंगे। अभी चल रहा है अनुसंधान, इसके बाद आएगा प्रतिविधान, उसके बाद शुरू होगा निर्माण का कार्य। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण।